नंबर तीन, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, एक ऐसा सा प्लैनेट सोलर सिस्टम में जो कि मार्गदर्शन का काम करता है। मार्गदर्शन यानी कि वो व्यक्ति या वो व्यक्तित्व जो चीजों को देख सकता है, चीजों को भांप सकता है, वो कौन सा नंबर है? नंबर तीन। नंबर तीन वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं, उन्हें किन चीजों का प्रमुख जो है वो ध्यान रखना चाहिए? नंबर तीन वालों के, नंबर तीन का व्यक्तित्व किसका है? दूरदृष्टा हो जाना, चीजों को समझना, किसी के बारे में अनुमान लगाना, किसी को एडवाइस देना, ये तीन नंबर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें क्या चीज जो है वो ध्यान में रखनी है तीन नंबर वालों को? तीन नंबर वालों को कुछ प्रमुख चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि घर के अंदर अगर कोई कांच टूटा हुआ होता है तो वो तीन नंबर वालों के लिए अशुभ जो है वो रहता है। तो कांच का या किसी चश्मे का टूट जाना या कांच का टूट जाना, ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है नंबर तीन वालों के लिए। नंबर तीन वालों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर तीन वाले व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर वो अपनी काम में से एक शेयरिंग, एक परसेंटेज अगर किसी मंदिर को समर्पण में दे दे या मंदिर के प्रति जो है उसका एक शेयर जो है वो निकाल दे, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो रहता है। तीन नंबर वालों व्यक्तियों को और क्या करना चाहिए? तीन नंबर वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर किसी भी तरह से कोई भी एक ऐसा स्टैचू नहीं लगाना चाहिए जो स्टैचू केवल और केवल सर के हिस्से को बताता हो। और तीन नंबर वालों को क्या करना चाहिए वो ये कि पहली चीज, तीन नंबर वाले व्यक्ति जिनका भी तीन नंबर है, वो एक ओम का लॉकेट अपने गले में धारण कर सकते हैं या ओम का एक चित्र गूगल से प्रिंट करके अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये तीन नंबर वालों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो जाता है। रिश्तों में अगर देखें तो गुरु का रिश्ता किसका होता है? बड़े भाई का या आपके गुरुओं का। तो अगर आपका कोई बड़ा भाई है या कोई ऐसा मित्र जो आपसे, आपके पास जो है वो बड़े भाई की तरह है, या जो आपके गुरु हैं, उनका आदर सम्मान करना, उनकी बातों को ध्यान रखना, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं की कदर करना और उनकी दी गई एडवाइस का पालन करना, उनके दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी भी तीन नंबर वाले लाइफ के अंदर शेकी हो जाते हैं, वो किस कंडीशन में होते हैं? जिस वक्त उनका देवीय भाव ही उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, यानी कि वो लोगों के साथ करते हैं जिसके कारण से खुद वो पीड़ा में आ जाते हैं। अब वो तो क्योंकि किसी का गलत होते हुए देख नहीं सकते, पर उस कारण से खुद में पीड़ा में आ जाते हैं, ये तीन नंबर वालों के लिए एक चैलेंजिंग पार्ट जो है वो रह जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर लेकर के उसके ऊपर ग्रीन पेन से 12 नंबर का उपयोग, यानी कि 1 और 2, 12 नंबर का उपयोग करके वो लोग अपने पास जो है वो कैरी करें, जिससे इनकी लाइफ का जो संतुलन है, यानी कि बैलेंस्ड लाइफ जो कि इनकी जिंदगी में इनको दृढ़ता भी देगी, इनको इमोशनली बैलेंस भी करेगी और साथ ही साथ में इनका मेंटल लेवल जो है वो स्टेबल रहेगा। तो 12 नंबर का उपयोग इस तरीके से तीन नंबर वाले व्यक्ति कर सकते हैं।